ओके, इसमें जो कंप्लेंट ये है, कंप्लेंट इस एसी का ये है कि यूनिट नहीं चालू हो रहा है। ये यूनिट जो कंट्रोल हो रहा है जामी का एसी है, मॉडल PTX है, कैरल कंट्रोल है, कैरल कंट्रोल DDC पैनल से ये सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। इसको जो डिमांड आ रहा है DDC पैनल से आ रहा है, जो यहाँ पर जो डिमांड आ रहा है। ओके, तो साइट टेक्नीशियन का ये कहना है कि यूनिट ऑन नहीं हो रहा जबकि डिमांड आ रहा है, इसका ये कहना है। ठीक है, साइट टेक्नीशियन का ये कहना है कि डिमांड आ रहा है लेकिन फिर भी हमारा यूनिट चालू नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आके यहाँ ये देखिए, हम लोग पहले डिस्प्ले पे सबसे पहले ये चेक कर लो, ऑन ऑन तो है। ठीक है, ओके, बाद में सेटिंग चेक करो कि BMS के ऑप्शन में रखा है कि कोई और ऑप्शन में रखा है। मैन्युफैक्चर में जाओ, पासवर्ड इंटर करो, पासवर्ड लगा के ओके इंटर किया, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये देखना है PYDIN और BMS, ये सही है, सेटिंग भी सही है, फिर भी नहीं चालू हो रहा है। ठीक है, नहीं चालू हो रहा है। ओके, आप बैक जाएंगे, बैक जाके चेक करेंगे क्यों चालू नहीं हो रहा है। ओके, साइट टेक्नीशियन का कहना है कि हमारा BMS ओके है, BMS ओके है, BMS ओके। देखिए RRG में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, ठीक है, RG में कंटिन्यूटी दिखा रहा, फिर क्यों नहीं चालू हो रहा। RY1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, लेकिन G में है, लेकिन G चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, अब ऐसा डॉट है तो एक काम करो, सबसे पहले R का वायर निकाल दो, जो DTC से जो वायर आ रहा है ना, DTC से वायर लग रहा है, RG Y1 Y2 W1 W2 में जो लग रहा है, वो 4 कंप्रेसर है ना, 4 हीटर। ठीक है, R से वायर निकाल दो DTC का, जो यूनिट के टर्मिनल में लग रहा है। ठीक है, बाहर करते हैं उसको, बाहर कर दीजिए, क्योंकि पहले कंटिन्यूटी बता रहा था, क्योंकि वो सीरीज में है ना। ओके, सेम सेम NCNO है, ये NONC है, तो क्लोज रहेगा तो आपका AC चालू होगा और NO होगा तो ऑफ हो जाएगा। ओके, अभी लगा के आपका G में चेक, नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, इसीलिए चालू नहीं हो रहा, नहीं, ये प्रॉब्लम DDC का ही प्रॉब्लम है, DDC का ही प्रॉब्लम है, वो वहाँ जब लगा हुआ है तब वो कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन सही में उसको कंटिन्यूटी नहीं है उसको। ठीक है, तो DDC को चेक करना होगा, हो सकता है कुछ वायर वगैरह लूज हो, प्रोग्रामिंग हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो DDC की तरफ से चेक करना, AC की तरफ से नहीं। ओके, AC की तरफ से नहीं है, किसी को कंटिन्यूटी नहीं, पहले फ्लोर को बता रहा था। एक बार ऐसे ही चेक करते हैं, ऐसे ही रखो, हाँ हो सकता है कि प्रॉपर नहीं बैठा हो, ये भी बात है, हो सकता है, तो ये भी एक बार दोबारा रीचेक कर लो। ओके, सही से लगा के एक बार चेक कर लो, है ना, हो सकता है सही से टाइट नहीं हुआ हो, प्रॉपर टच नहीं करता हो। ओके, एक ये भी चेक कर लो, ऊपर नीचे में कंटिन्यूटी है कि नहीं है, यानी कि सही काम कर, टच किया हुआ है ना, आपस में लिंकअप है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, ठीक है, अब दोबारा देख लो। ओके, फिर बता ही रहा है, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, फिर दोबारा एक बार उसको बाहर निकालिए, एक बार दोबारा देखिए, नहीं है भाई, नहीं, इसको देखना होगा। ठीक है, फिर भी एक बार अब हम लोग करेंगे क्या, पावर एक बार ऑफ करके ऑन कर लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं है, कन्फर्म है, लेकिन अपने साइड से, लेकिन नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, पावर ऑफ भी लगेगा, पावर ऑफ ऑन कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करना होगा, डिस्प्ले आने में कुछ सेकंड लेगा, वो टाइम लेगा वो। तो R3Y4 करके जिसको चलाना है उसमें आपका कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, क्योंकि सेम जो वायर है R से लेके G Y1 Y4 तक, वो NONC है। ओके, जब चलाना होगा तो जब उसका चलाना होगा तो वो NC हो जाएगा, और जब नहीं चलाना होगा तो वो NO हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ब्लोर को तो NC हो जाएगा, और बाकी जो आपका Y1 से Y4 तक, वो टेम्परेचर के हिसाब से आएगा। ओके, फिर आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, ओके, डिस्प्ले आ गया, ये देखो यहाँ पर। ओके, यहाँ दोबारा फिर एक बार चेक कर लो, ऑन में है। ठीक है, ओके, बैक जाइए, कोई एरर भी नहीं है, हाँ, ये भी देख लो, कोई एरर नहीं है, अगर होगा तो इसका चेहरा चेंज हो जाता है, जो भी इसका डिस्प्ले का आप अगर चेक करेंगे, ये चेंज हो जाता है, वो सेम ट्रायंगल टाइप का आता है, ट्रायंगल टाइप का इस तरह का आता है वो, तो ये आपका बन डिमांड नहीं आया है, और जब डिमांड आएगा तो ये डार्क हो जाएगा, ये जो ब्लैक दिख रहा है इस तरह का, ये आपको ये डार्क हो जाएगा, किसी को डिमांड नहीं आया,
थोड़ा वेट कर लीजिए, दो तीन मिनट आप वेट कर लीजिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और तो अगर नहीं है तो फिर आपको वो DDC का जो पैनल है ये वाला दिखा दो, चेहरा DDC का ये पैनल है, इसको देखना होगा। जो भी है हमारा नहीं है, जिसकी कंपनी का इसलिए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जिस कंपनी का है उसको वो चेक करना पड़ेगा कि किस वजह से हो सकता है, कुछ लूज हो या कुछ सेटिंग वगैरह है ना, पैरामीटर वगैरह सब चीज़ को चेक करना पड़ेगा, ठीक। अभी आया, ओके आ गया, उसका वायर वहाँ से वो लूज था, ठीक है, अभी आ गया, उसका चालू हो गया ब्लोअर टेम्पर दिखा दो, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे जो बोला था वही है, तो उसमें आपका ब्लोअर चल रहा है। रेटेड एम्पेयर कितना है आपको? रेटेड एम्पेयर आपका ब्लोअर का 42 है, हाँ ओके, और मुश्किल नहीं वो बढ़ेगा, ओके ओके। तो कभी भी इस तरह का हो तो RG में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, R से लेके सब में, ओके। तो फर्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे RG में, क्योंकि पहले ब्लोअर ऑन होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ ऑन हो, ठीक है। और चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, चालू हो गया। यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये डार्क हो गया, यानी डिमांड दिया, पहले दे ही नहीं रहा था, तो जब देगा ही नहीं तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं हो रहा, परेशान होने की ज़रूरत। लेकिन हम लोग अपने तरफ से वो टर्मिनल में चेक कर लेंगे डिमांड आया कि नहीं आया है, लेकिन जब तक इसमें नहीं, आप देखिए कंप्रेसर को भी देखिए, यहाँ देखिए चेहरा देखिए इसका चेंज होगा, वो अभी लिया नहीं ना, हाँ ओके, यहाँ देखिए है ना, यहाँ ध्यान दो कि डार्क हुआ है, 2-3-4 डार्क नहीं हुआ है, यानी कि इसको अभी डिमांड नहीं दिया, यहाँ 4 लिख दिया है, ओके। अभी ये सिग्नल PCB को दिया है, लेकिन PCB आउटपुट नहीं दिया है कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर को, वो एक एक करके अपने टाइम डिले के हिसाब से वो उसको डिमांड देगा, ओके। तो नंबर 1 कंप्रेसर चालू हो गया है, इसका भी हम एक बार देख लेते हैं, ओके हाँ देखो दिखा दो, चलिए ठीक है। इसका भी है आपका कितना है दिखा दो, यहाँ दिखा दो, एम्पियर 19.9, एक्चुअल है आपका 17.2, ठीक है ओके। एक और चालू होने तो बाद में ख़त्म, ओके ओके ओके। अब हम लोग काम भी करना है भाई, जो मेन बताना था देखा आ गया, नंबर 2 को भी डिमांड आ गया है, वो भी AC और भी कंप्लेन है, तो हम लोग को चेक करना है, ठीक है चलिए ओके।